एवरीवन, वेलकम बैक टू नजीब शेख ब्लॉग। तो आज चलो स्टार्टिंग करते हैं नए ब्लॉग की। बहुत मैं खुश हूँ आज, और मैं खुश क्यों हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, पर उससे पहले मैं बात करती हूँ के बारे में, कल के ब्लॉग के बारे में बात करेंगी। तो उसमें जैसे कल मैंने स्पीच दी थी, तो वो मैंने कहा था कि आप सब कमेंट में बताइए कि आपको स्पीच कैसी लगी मेरी। तो मतलब सभी को अच्छा लगा और सभी ने बहुत तारीफ की। एक दो लोग बस ये बोल रहे थे कि हाँ कि और अच्छा हो सकता था। हाँ हो सकता था, क्यों नहीं, बहुत अच्छा हो सकता था। बट क्या है कि अब मैं कोई लीडर तो हूँ नहीं, सच में मैं कोई लीडर तो हूँ नहीं कि मैं रियल में मतलब ऐसा इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ। तो देखो क्या होता है, तो थोड़ी सी हेजिटेशन हर किसी को होती है। और दूसरा मुझे है कि हंसी बहुत आ रही थी, सच में मैं इतनी हंस रही थी ना बीच बीच में, ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं कितनी उसमें बोले जा रही हूँ, जैसे कि सच मैं जो स्पीच दे रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं सच में ही किसी इलेक्शन में खड़ी हुई, उस हिसाब से मैं बोल रही थी। मुझे बहुत हंसी आई। कल का ब्लॉग मैंने भी खुद ने भी देखा ना, मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी बाद में। बट मैंने कहा लोग बोलते हैं तो चलो इसको एक बार क्यों ना करते हैं, ये कर सकते हैं या नहीं तो ट्राई करना चाहिए। कि जब लोगों को कोई भी नया काम ट्राई करना चाहिए, तो मैंने सोचा लोगों को लगता है आपके अंदर ये टैलेंट है, तो भाई थोड़ा सा देखते हैं कि टैलेंट है या नहीं। तो बस यही देखा मैंने, मुझे अच्छा लगा कुछ नया करके। तो चलो अब बात करते हैं आज के ब्लॉग की, कि आज मैं खुश क्यों हूँ। ठीक है, तो आज मैं बताती हूँ। तो देखिए आज मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, जीरो से स्टार्ट किया था, ठीक है, कोई भी मेरी तरह कोई भी YouTube पर आता है तो वो जीरो से ही स्टार्टिंग करता है, जीरो से लेके और यहाँ तक पहुँचना। धीरे धीरे जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज आते हैं, तो हर कोई इतनी मेहनत करता है, कोई भी हुआ, मैं हूँ या कोई और भी, तो हर इंसान चाहता है कि उसे कामयाबी मिले। और मैं जैसे एक चलती हूँ ना, मैं और मेरे हस्बैंड एक ऑनेस्टी को लेकर चलते हैं। हमने कभी भी वीडियोस पर मतलब ऐसा नहीं करा है कि हमें व्यूज ज़्यादा चाहिए, इसके लिए हम किसी गलत रास्ते पर जाएं, कुछ गलत करें ऐसा, क्योंकि ऐसा करने से बहुत व्यूज आएंगे। बट वो चीज़ हम दोनों को ही बिल्कुल पसंद नहीं है। हम बस ये है कि हमारा जो डेली रूटीन है, जो हमारी लाइफ में चलता रहता है, वो हम दिखाते हैं, बस यही हमारा चलता रहता है वीडियोज़ में। ठीक है, तो उसे हमारे सब्सक्राइबर भी अच्छे हो गए हैं, 13K हो गए हैं, 13K प्लस हो गए हैं। और हमारे जो वीडियो है, एक जो मैंने वीडियो डाला था ना कि क्या मैं शादी के पहले बुर्का पहनती थी, ये लोगों का बहुत क्वेश्चन था मुझसे, तो मैंने उसके ऊपर एक पूरा वीडियो अपलोड किया था, जो भी था मैंने उसमें बताया था। तो वो वीडियो मेरा 1 लाख पर पहुंच गया है, तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा फाइनली मेरा वीडियो भी 1 लाख पर पहुंच गया है। बहुत मेहनत करते हैं जब वीडियो बनाते हैं, तो हर चीज में मेहनत होती है। देखो कोई भी काम करेंगे तो मेहनत उसमें होती ही है। तो ना मैं तो एक तो वीडियो बनाती हूँ तो इधर उधर देख के बात करती रहती हूँ, कैमरे पे देखती ही नहीं हूँ। तो अभी मुझे याद आ गया, किसी ने कमेंट करा था ना, तो देखो क्या होता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो हर इंसान चाहता है कि उसके कामयाबी मिले और व्यूज भी अच्छे आए। तो मैं पता है मैं भी यही चाहती थी, पर क्या होता था कि मेहनत हम पूरी करते हैं बट कामयाबी हमें जब ही मिलती है जब वो चाहता है, जब ऊपर वाला चाहता है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पर, तो जैसे अब किसी के भी 1 लाख पर पहुंच जाते थे, 2 लाख, 1 लाख या मिलियंस पर। तो मैं पता है मैं ये सोचती कि ये लोग ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग कर रहे हैं, वही नॉर्मल डेली के ब्लॉग डालते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल है इनके वीडियो में जो इनके यहाँ तक जा रहे हैं। और मैं अपने हस्बैंड से बोलती कि अपने वीडियो में ऐसी क्या कमी है, जबकि हम एक ना ही कभी किसी को गलत बोलते ना ही कुछ करते हैं। शायद मैंने क्या यही कमी है कि हम अपनी सच्चाई पर रहते हैं, इसलिए जो ईमानदार और जो ऑनेस्ट लोग होते हैं ना, उनके साथ यही होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ जो ईमानदारी से चलेगा वो हमेशा थोड़ा उसको कामयाबी बाद में मिलती है, यही होता है उसको बाद में मिलती है। तो वही हमारे साथ हुआ, हमें भी फाइनली बहुत इंतजार के बाद हमारा एक पहला वीडियो पहुंच चुका है 1 लाख पर। ये जो खुशी मिली है ना, मैं बता नहीं सकती, सच में बहुत अच्छा लगा। और अभी नहीं,
3-4 दिन पहले ही हो गए थे, बट मैं इसके ऊपर वीडियो बना नहीं पाई थी। तो मैं डेली सोचती थी कि आज मैं बनाती हूँ, पर मैं बना नहीं पाई थी। तो क्या हो रहा था, रात को ना 1:30-2 बजे के समथिंग, नहीं रात को 12 बजे के करीब मैंने, उन्होंने देखा था, सॉरी, हाँ उन्होंने देखा था। उन्होंने कहा, नेहा देखो इस वीडियो पर 1 लाख पर पहुंच गए हैं व्यूज। तो मैंने कहा अच्छा दिखाओ ना। तो फिर मैंने देखा, मैं कि अरे वाह क्या बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। तो मैंने कहा इसका क्रेडिट पूरा आप सभी को जाता है, जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे चैनल पर, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल पर आते हैं और जो मुझे कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, और एक बार अगर देखकर भी जाते हैं, जो वैसे तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं, बट क्या होता है कि इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो अगर 90% अच्छा बोलते हैं तो 10% कुछ ना कुछ बोलते हैं। ये एक फैमिली में भी होता है, अगर 10 लोग अच्छे हैं तो 2 लोग ऐसे होते हैं, तो वही है। तो उनके लिए भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आप जो भी हमारे चैनल पर है, उन सबके लिए दिल से बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बस कामयाब करते रहिए। और अच्छा लगा कि चलो मेहनत की, एक सच्चे मन से जो मेहनत करते हैं ना, उसको कामयाबी हमेशा लेट ही मिलती है, पर मिलती जरूर है। और पता है मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि जब मैं किसी भी काम की या कोई भी कुछ हुआ जो मेरे दिल में होता है, वो अगर मुझे चाहिए होता है तो वो नहीं मिलता। तो फिर मेरे साथ क्या होता है कि मैं उस चीज की मैं उम्मीद छोड़ देती हूँ कि नहीं, अब ये शायद मेरे नसीब में नहीं है, अब ये शायद मुझे नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगा कुछ भी। बट वहीं पे जब मैं उम्मीद छोड़ती हूँ, वहीं पे मुझे जो ऊपर वाला है, मुझे वहीं पे आके मुझे दे देता है। तो मैंने भी ये सोच लिया था, मैंने कहा शायद, पता नहीं भाई, अपने वीडियोस नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मैंने मैंने सोचा, मैं कहा शायद भाई हमारा वीडियो लैग पर भी ना जाए, क्योंकि भाई लोगों को आजकल कंट्रोवर्सी और मतलब इधर उधर की बातें और लड़ाई झगड़े या फिर किसी को हेट दो किसी के लिए, ये सब पसंद आता है, वो हमारे चैनल पे नहीं होता है। हमारे चैनल पर नॉर्मल डेली के वीडियोज होते हैं, और बस यूं ही हमारी लाइफ में जो चल रहा होता है वो हम शेयर करते हैं, जितना हमें शेयर करना होता है वो हम करते हैं। तो पर इसके बाद भी मेरा वीडियो पहुंचा तो मुझे बहुत खुशी मिली। अब यकीन होने लगा है कि हाँ, कामयाबी भले देर से मिले पर मिलती जरूर है, और आगे भी कुछ लिखा होगा मेरे नसीब में कुछ अच्छा, तो वही मेरे साथ होता है। मैं, पता है, सबने, आप सबके सपोर्ट से ही मैं इतनी आगे बढ़ी हूँ, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और बस हमें, मुझे प्राउड है कि मैंने कोई आज तक जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पर, उसमें कुछ ऐसा नहीं करा है कि जिससे मुझे ऐसा लगे कि मैंने ये चीज़ गलत की, गलत करके और फिर हमारे व्यूज आ रहे हैं। हम गलत बोल कर किसी को गलत बातें रख कर हम अपने वीडियोज में, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ का मुझे बहुत प्राउड है, भले देर से ही सही पर मुझे कामयाबी मिलेगी जरूर इस पर। और अभी एक मेरा वीडियो पहुंचा है तो उसकी जो खुशी है वो तो आप देख ही सकते हैं मुझे, क्योंकि देखो पहली बार कोई भी काम होता है ना, उसकी बात अलग ही होती है। तो फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो गया है ना, अब बाकी और जाएंगे ना, फिर इतना नहीं लगेगा, क्योंकि चलो अब धीरे धीरे जा रहे हैं, बट पहली बार कुछ भी होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो बस यही सारी बातें मुझे आपसे करनी थी, और ऐसे ही आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और बस आगे बढ़ाते जाइए। और हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय।